नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक रैपिड सीरीज जो जीएसटी से इस तरीके के आपके जो यूपीपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आपके जो यूपीपी का पैटर्न है जिसमें रेट पूछा गया है, कुछ कोड के बारे में पूछा गया है, तो इन सारे प्रश्नों पर लेकर के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग सारे पॉसिबल क्वेश्चन को मैं बनाने का प्रयास किया हूं। और जाहिर सी बात है, फिर से ये एक मेरा प्रयास है कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो। तो 30 से और 31 वाले लोग इसे जरूर देख करके जाएं। ध्यान रखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा जीएसटी आईएन का पूरा रूप क्या है। तो जीएसटी से आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा और आईएन से आपका जो हो जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी आईएन में एक अद्वितीय जो आपका यूनिक स्पेसिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उस जीएसटी आईएन में कितने अंक होते हैं, तो ये जवाब आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो दूसरे का आपका आंसर सी हो जाएगा, 15 डिजिट के मिलते हैं। जीएसटी आईएन के पहले दो अंक क्या बताते हैं, यानी जीएसटी अगर मैं बात करूं जीएसटी में 15 अंक होते हैं तो शुरू के उसके दो अंक क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं आपके पंजीकृत व्यक्ति का राज्य कोड बताते हैं, यानी राज्य कोड किसका क्या है ये बताएगा। चलिए, जीएसटी आईएन में राज्य कोड के बाद जो 10 अंक होता है वो 10 अंक क्या होता है, वो आपका पैन नंबर होता है, यानी पहला आपका जो दो डिजिट बताएगा 2 डिजिट, वो आपका राज्य का कोड बता दिया 2 डिजिट जो बताएगा, ये राज्य का कोड बता दिया। उसके बाद से आपका जो 10 बताएगा वो 10 क्या होगा, वो 10 आपका पैन का होता है नंबर, ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर अगर आपसे बता दिया जाए पांचवा क्या होता है, पांचवा कह रहा है जीएसटी आईएन के बाद के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उसी पैन के लिए जो आपका एक यूनिट डिजिट दिया जाता है वो आपका इकाई संख्या हो जाती है, यानी आपका पांचवें का डी आंसर हो जाएगा। जीएसटी आईएन में इकाई संख्या के जो बाद का अक्षर होता है वो क्या दर्शाता है, यानी इकाई संख्या के बाद के भी जो दो अक्षर मिलते हैं वो दो अक्षर क्या दर्शाते हैं, तो इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो आपके डिफॉल्ट के रूप में जो आपके जेड अक्षर होते हैं उनको बताते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी आईएन में अंतिम का जो अंतिम अंक का क्या उद्देश्य होता है, तो अंतिम जो अंक होता है जीएसटी आईएन में वो आपका क्या होता है, तो यहां ध्यान रखेंगे तो यहां आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो त्रुटि का पता लगाने के लिए आपका जो चेक कोड होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये आपका सातवें का डी हो जाएगा, सही जवाब आपका। ठीक है, बात कर रहा है आपका कि यदि आपको ईमेल के माध्यम से जीएसटी अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता हो तो आप निम्नलिखित में से किस ईमेल पते का उपयोग करेंगे, यानी बेसिकली आपको ईमेल के हिसाब से आपको हेल्प डेस्क करना है तो helpdesk@gst.gov.in, ध्यान रखेंगे gst.gov.in एक क्या है, ये पोर्टल है आपका जीएसटी पर जाने के लिए, और इसका ईमेल है आपका helpdesk@। ठीक है, चलिए यहां पे जीएसटी के लिए हेल्प डेस्क से नंबर से आप किस नंबर से आपका कॉल कर सकते हैं, किस नंबर को लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, तो यहां पर आपके 9 नंबर के क्वेश्चन में जो बात होगी वो आपकी नंबर है 124-46-88-999, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश के लिए जीएसटी कोड क्या है, यानी उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी आईएन में जो राज्य कोड शुरू का दो अंक बताता है तो यूपी के लिए राज्य कोड क्या है, तो यूपी के लिए राज्य कोड आपका बी हो जाएगा। भारत में जीएसटी के संदर्भ में एसएसी यानी सैक का क्या मतलब है, सैक का जो मतलब होता है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, ध्यान रखेंगे आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 का आंसर आपका यहां पर बी है। जीएसटी के संदर्भ में एचएसएन का क्या मतलब है, तो यह है आपका हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कह रहा जीएसटी के तहत एचएसएन कोड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो जो आपका एचएसएन कोड होता है उसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है वस्तुओं को कैटेगराइज करने यानी वर्गीकृत करने के लिए, उनकी गणना और उनका चालान बनाने के लिए, आंसर आपका बी हो जाएगा। जीएसटी के तहत निर्यात और आयात के लिए कितने अंकों का एचएसएन कोड अनिवार्य होता है, तो अगर एचएसएन कोड के बारे में अगर मैं बात करूं 14 नंबर के क्वेश्चन में, तो एचएसएन कोड जो होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपके 8 डिजिट का होता है। एचएसएन कोड की 8 अंकीय संरचना में जो पहले का 2 अंक होता है वो पहले का 2 अंक किसको बताता है, यानी यहां पर वो चीज आपके अध्याय को बताएगा कि किस चीज के बारे में आपका एचएसएन कोड है। एचएसएन कोड का जो 4 अंकीय संरचना है वो क्या, 4 अंकीय संरचना क्या बताता है 16 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये शीर्षक यानी टाइटल के बारे में बताएगा कि आप किस कंपनी से किस टाइटल से आप जुड़े हुए हैं।
ठीक है, एचएसएम कोड में जो 6 अंक की संरचना है वो किसके बारे में बताता है, तो ये उसके उपशीर्षक के बारे में बताएगा, फर्म के रिलेटेड आपके और कौन सी आपका इसका उप, और जो आखिरी का 2 अंक होता है वो बताता है आपके टैरिफ आइटम के बारे में। 18 का यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करता है सैक कोड में कितने अंक होते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है और इसमें आपके 6 डिजिट होते हैं। सर्विस अकाउंटिंग में आपके कितने कोड होते हैं, तो 6 डिजिट होते हैं। 19 का आपका जो आंसर आएगा वो 19 का बी आ जाएगा। बात करते हैं आपके 20 में, सैक कोड की शुरुआत किस संख्या से होती है, तो इसकी शुरुआत आपके 99 से होती है, 99 से, ध्यान रखिएगा। सैक कोड के बीच की 2 संख्याएं क्या दर्शाती है, 99 तो आपका कोड हो गया, 99 के बाद के जो बीच की 2 संख्या होती है वो क्या दर्शाती है, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन, तो वो सेवाओं के प्रकार के बारे में बताती है। ठीक है, कह रहा सैक कोड के अंतिम 2 अंक किसके बारे में बताते हैं, तो वो सेवाओं की विस्तृत प्रकृति के बारे में बताते हैं कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, ताजा दूध हुआ, दही हुआ, लस्सी हुआ, छेना हुआ, पनीर हुआ, अंडा हुआ, शहद हुआ, इस पर इस समय कितना जीएसटी रेट है, तो ध्यान रखेंगे इस पर जो जीएसटी रेट की संख्या है ना वो आपके 0% है। आपका यहां पर इतने लोगों के बीच में जो लेटेस्ट डाटा है उस लेटेस्ट डाटा को मैंने यहां पर क्या किया है, मेंशन किया है। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो आपका 0% हो जाएगा। फल और सब्जी, कॉफी बीन्स के बारे में, खजूर पे, चावल, गेहूं, मक्का और अन्य अनाज पर कितना जीएसटी है, तो इस पर भी आपका 0% जीएसटी लगता है। कह रहा है गुड़ है, खांडसारी चीनी होती है, हैंडलूम है, देसी घरेलू निर्मित और देसी जो घरेलू निर्मित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और पूजा सामग्री पर, इस पर आपके कितने जीएसटी रेट लगते हैं, तो इनके बारे में मैं बताऊं तो इस पर भी आपके 0% जीएसटी रेट लगते हैं, ध्यान रखिएगा। सिनेमा हॉल में अगर आप जाते हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ लेते हैं, ब्रेवरेज लेते हैं जो भी आपके, तो उन ब्रेवरेज पर, खाद्य तेल पर, मेहंदी पेस्ट, मेहंदी का कोन जो आता है ना उस मेहंदी के कोन के पेस्ट पर, पिज्जा ब्रेड पर, नमकीन पर, तंबाकू पर कितने जीएसटी आपके लगते हैं, तो इन सारे पर आपको जो लगता है ना वो आपका 5% जीएसटी लगता है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर होता है, जो सिल्क होता है नेचुरल सिल्क के बारे में बात करी जाए, ग्रेफाइट और बिल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उस पर जीएसटी की अगर बात करी जाए तो 27 नंबर के जो क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे इस पर भी आपके जीएसटी 5% लगता है, ध्यान रखिएगा। गाढ़ा दूध, सूखा फल, ऊन या लकड़ी की कोई मूर्ति बनाई जाती है, साइकिल, छाता, चश्मा और लेंस पर अगर मैं बताऊं, चश्मा और लेंस पर जो आपके जीएसटी का दर होता है वो जीएसटी स्लैब कितना है, तो 28 में अगर मैं बताऊं आपसे तो 28 नंबर के क्वेश्चन में ये होगा आपका कितना, ये होगा आपका 12%, ध्यान रखिएगा। टीवी पर, मोबाइल फोन पर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, कूलर, फैन, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जितने हैं उन पर जीएसटी जो स्लैब लगता है वो जीएसटी स्लैब आपका कितने हैं, आपके 18%। 30 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, 30 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं, होम एप्लीकेशन जैसे आपके एलपीजी स्टोव हो गए, आपके एलपीजी अप्लायंसेज हो गए, जो आपके होम अप्लायंसेज मतलब जो घरेलू सामान उपयोग में ले आए जाते हैं उन पर, चॉकलेट पर, केक पर, बिस्किट पर, आइसक्रीम पर, कोल्ड क्रीम, मेकअप किट पर, सिगरेट पर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय पर, इन सब पर अगर मैं जीएसटी की बात करूं ना तो इन सब पर जीएसटी आपके 18% लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर, कैफीन युक्त जो आपके कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं जिसमें आपको एनर्जाइज हो जाते हो, जैसे रेडबुल हो गया, इस तरीके की जो एनर्जी वाली ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड मतलब आपके जो थम्सअप, पेप्सी, ये तरह के आपके कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हो गए, सिगार पर, स्मोकिंग पाइप्स पर, एयर कंडीशन मशीन पर, एयरक्राफ्ट पर कितना जीएसटी, तो इस पर जीएसटी का जो स्लैब है ना वो आपके 31 नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आपका 28% लगता है। भारत में सीमेंट पर कितना जीएसटी लगता है, अगर 32 के नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं तो भारत में जो आपके जो सीमेंट पर लगता है वो आपके 28% लगता है, बिल्कुल सही जवाब। भारत में बीएमडब्ल्यू कार पर लागू जो जीएसटी रेट है वो कितना है, बीएमडब्ल्यू पर अगर मैं बात करूं आपके तो इस पर भी आपके 28% लगता है, ध्यान रखिएगा। भारत में एलपीजी सिलेंडर पर कितना लगता है, तो अगर 34 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो एलपीजी सिलेंडर पे आपके 5% का है, ध्यान रखिएगा। भारत में सोने पर कितना जीएसटी है, सोने पर तो 30% है, लेकिन इसी सोने से जब आप आभूषण बनवाओगे ना तो इस आभूषण पर 5% और जीएसटी जुड़ जाता है और टोटल मिलाकर के आपका कितना हो जाता है, 8% हो जाता है, यानी गहनों के निर्माण पर जो आपका लगेगा कुल जीएसटी वो आपके 8% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक गैस,
मानव उपयोग के लिए जो शराब होती है, पेट्रोल, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल और एविएशन जो टर्बाइन फ्यूल होता है, ये सारे के सारे आपके जीएसटी स्लैब में शामिल नहीं है। भारत में जीएसटी की प्राथमिक दर की अगर मैं बात करूं तो ये चार होते हैं, बाकी 0% भी एक होता है, ध्यान रखेंगे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी के स्लैब हैं। कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे करदाताओं के लिए टर्नओवर की वर्तमान सीमा क्या है, यानी जीएसटी के लिए टर्नओवर की जो वर्तमान सीमा है जीएसटी आईएन के अंतर्गत आने के लिए, वो वर्तमान सीमा कितनी है? अगर मैं 39 के नंबर क्वेश्चन बात करूं तो ये 1.5 करोड़ के आसपास है, ध्यान रखेंगे आंसर आपका सी हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए जो आपके व्यवसायों को किस आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होता है, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में बताऊं तो कुल कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत जो होता है वो इसके रूप में भुगतान करने की बात होती है। वर्तमान में छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी से छूट की सीमा क्या है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए, ध्यान रखो इस क्वेश्चन को तो हटा ही दो क्योंकि ये टर्नओवर यहां पे ऑप्शन में मेंशन ही कर दिया गया है, यानी इसका 41 का आंसर बी हो जाएगा, 20 लाख रुपए ही, यानी आपको यहां पर तक ही याद रखने हैं। चलिए आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। भारत में माल मतलब अंतर राज्य इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, जो इंट्रा स्टेट में आपूर्तिकर्ताओं के लिए, अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी से छूट की वर्तमान सीमा क्या है, तो ये 42 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसमें 40 लाख रुपए है, ध्यान रखेंगे आंसर सी हो जाएगा। किसी विशेष श्रेणी वाले राज्य में सेवाओं और माल सेवाओं दोनों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी की किस विशेष श्रेणी में, तो ये हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे इसमें आपका 20 लाख रुपए है, ठीक ना। चलिए, जीएसटी ने 1 जुलाई 2023 को कितने साल पूरे किए अपने, तो ये छठा साल पूरा किया, क्योंकि इसके कुछ डेटा है, उन डेटा को जरूर याद कर लीजिए, मे बी क्वेश्चन बन सकता है। 2017 और 18 में बात करूं मैं तो 2017 में और 18 में जीएसटी टोटल कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो जवाब आएगा वो आएगा आपका 7.19 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में कितना संग्रह था, तो वित्त वर्ष जो 22-23 था ना, वो वित्त वर्ष 22-23 में आपके जो संग्रह था वो 18.10 लाख करोड़ रुपए, ये बात ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा। और वित्त वर्ष 2022-23 का जो जीएसटी संग्रह था वो 2021-22 की तुलना में कितना अधिक था, तो वो 22% अधिक था, ध्यान रखिएगा। जीएसटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मैं बना सकता था उतने मैंने बनाए हैं कि आई होप इसमें से एग्जाम में आए, जरूर कुछ ना कुछ फायदा करेगा, ये मेरा छोटा सा प्रयास ही रहता है आप लोगों के एग्जाम को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए। चलिए, और भी इसी तरीके के वीडियो से और मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।